हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस बिटवीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम हूं मैं उत्तराखंड में और मैं करने वाला हूं पूर्णागिरी टेंपल के दर्शन और रोड ट्रिप। इस वीडियो में मैं आपको पूर्णागिरी के बारे में बताऊंगा और घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे आप यहां पे पहुंच सकते हैं, क्या तरीका होता है यहाँ पे पहुँचने का और कैसे या कब यहाँ पे मेला लगता है। कई सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में आपको पता चलेगी और बिल्कुल ऑफबीट नई यूनिक प्लेस आपको एक देखने को मिलेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे पीछे हैं शेखर ट्रैवलर जी और इनके चैनल को भी ज़रूर देखिएगा, हमारे गाइड है और पूरी मुझे उत्तराखंड की ये ट्रिप यहाँ पे अभी जो कराएंगे बहुत ही अमेजिंग रहेगी। सो इनके गाइडेंस में ये ट्रिप हो रही है और आपको भी काफ़ी गाइडेंस मेरी वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए पूर्णागिरी की वादियों में। पूर्णागिरी टेंपल उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट टनकपुर नाम की जगह पर स्थित है और ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। पूर्णागिरी पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले टनकपुर रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा, जहां के लिए दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन और बस दोनों की सुविधा है। सो चेकआउट का टाइम हो गया और मैं निकल रहा हूँ पूर्णागिरी टेंपल के लिए, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध जगह है और मेला भी चल रहा है वहाँ पर। बाकी यहाँ से चेकआउट वगैरह करके अब सीधे निकलते हैं मंदिर की तरफ और थोड़ा डिस्टेंस है, बाकी डिटेल्स वगैरह सब मैं आगे वीडियो में बताता रहूँगा। शेखर जी के साथ होने वाली है आज जर्नी पूर्णागिरी की और पूरी ट्रैकिंग बैग के हाँ पूरी बैग हमने ले लिए हैं और बाकी ये रही स्कूटी शेखर जी की ही है और इसी से हम लोग जाने वाले हैं। हाँ, सुबह का मौसम तो काफ़ी अच्छा है, हेलमेट लगाना ज़रूरी है और बस अब चलते हैं, निकलते हैं पूर्णागिरी के लिए। मैंने अपनी जर्नी टनकपुर से बस एक रेलवे स्टेशन पहले खटीमा से स्टार्ट की थी, जो कि बहुत ही प्यारा सा रास्ता था और इन रास्तों पर पैदल ही इस यात्रा को करने वाले काफी सारे भक्त भी दिख रहे थे और इसी तरह लोग ट्रैक्टर में बैठकर नाचते गाते हुए जा रहे थे और काफी सारे लोग साइकिल से भी दूर दूर से यात्रा करते हुए आते हैं। तो यहाँ पे अभी कुछ लोग जा रहे हैं। आप लोग कहाँ की तरफ जा रहे हैं? जय माता दी। पूर्णागिरी धाम के लिए जा रहे हैं। अच्छा, तो ये झाड़ू लगाते हुए क्यों जा रहे हैं? माता जी के चरणों में लगाते हुए जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पैदल ही आप लोग नंगे पांव कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अच्छा, कितना किलोमीटर होगा यहाँ से? 60 किलोमीटर। उतना दूर आप पैदल आ रहे हैं? रात को भी आप लोग ऐसे ही? अच्छा, थोड़ा बहुत रेस्ट लेते हैं। अच्छा, और हर साल आप लोग ऐसे आते हैं? हर साल। ये कब से कब लगता है मेला? होली के बाद चलता है। होली के बाद से चलते हैं, होली के 2 महीने बाद तक। अच्छा, चलता रहता है, ऐसे ही लोग आते जत्था आता रहता है। यहाँ से आप पीछे देख रहे होंगे डायरेक्शन, 147 किलोमीटर है पिथौरागढ़, चंपावत है 74 किलोमीटर। और आगे अगर आप जाते हैं, ये ट्रक चली जाए तो आपको दिखेगा, ये रहा पूर्णागिरी का रास्ता, ये लगा हुआ है, लिखा भी हुआ है यहाँ पे। तो ये जो सीधी है ये जा रही है आपकी रोड पिथौरागढ़ के लिए और ये पूर्णागिरी की रोड जा रही है और ऐसा लगा भी हुआ है यहाँ पे, एरो भी बीच में लगाया हुआ है। तो आपको बस यही रोड को फॉलो करना है यहाँ से और उसके बाद आप पूर्णागिरी पहुँच जाएंगे। उसके आगे ट्रैकिंग है और भी क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैं दिखाऊंगा ही। बाय द वे, अभी तक जो लोकेशन रही है बहुत ही रोड अमेजिंग रही है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली पहुँच गए। खाने पीने की शॉप्स यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगी, तो रास्ते भर पूरी है, मतलब एक हाईवे है जिस पे आपको सभी सुविधाएँ मिल जाएंगी और इजीली आप पहुँच जाएंगे। तो अभी आगे की तरफ बढ़ते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे भी क्या क्या है और पहुँचते हैं पूर्णागिरी मंदिर तक। पूर्णागिरी तक जाने के लिए आपको 3 पार्ट में जाना होता है।
पहले आपको टनकपुर से ठूलीगाड़ तक जाना होगा, जिसके लिए शेयरिंग में 40 रुपए लगते हैं, और ठूलीगाड़ से आपको फिर से एक शेयरिंग जीप मिलेगी, जिसके लिए आपको 30 रुपए देने पड़ते हैं, और ये आपको भैरव मंदिर तक ड्रॉप करेगी, जिसके बाद आपको पैदल लगभग 4 किलोमीटर के ट्रैक करके पूर्णागिरी टेम्पल तक पहुँचना होता है। साथ ही आप बस से भी यहां तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में अभी मैं रुका हूं और यहां पर देखने को मिल रहा है ये नज़ारा, जो दूर दूर से लोग आए हैं ट्रैक्टर भर भर के, और यहीं पे खाना पकाना आपको दिखाता हूं मैं। यहाँ कितने लोग का आप लोग बना रहे हैं खाना? यहाँ कम से कम 180 लोग। 80 लोग का? 180 लोग का। अच्छा, तो यहाँ कहाँ से आए आप लोग? जिला पीली, तहसील पूरनपुर। अच्छा, जिला पीली भी। कितना दूर हो यहाँ से? 100 किलोमीटर लगभग? हाँ हाँ, ज्यादा है, 110 किलोमीटर। अच्छा, तो उतने दूर से आप लोग ये ट्रैक्टर से आप लोग आते हैं? पैदल? पैदल भी आते हैं? पैदल धीरे धीरे। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे ये कितने दिन में यात्रा करते हैं? यहाँ चार दिन लगे हैं। चार दिन लगता है? अच्छा, हर साल में आप लोग आते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो क्यों मतलब आते हैं, क्या मान्यता होती, कुछ मान्यता होती है या फिर कुछ होता है? मान्यता है आप लोगों की? अच्छा, और जैसा मान लो मान रहे हैं वैसा फल भी मिलता है? मिलता भी है वैसा फल। माता जी सब पे दया करती हैं। और जी तो यहाँ पे देख रहे होंगे पूरा खिचड़ी बना रहे हैं आप लोग, खिचड़ी पूरा बना रहे हैं, तो बहुत ही यहाँ पे खाने का भी एक अलग मज़ा है, ऐसे पिकनिक एक हो जाता है, और बच्चों के साथ है चाहे बड़े हैं, हर एज ग्रुप के आपको लोग यहाँ पे दिखेंगे, और अलग ही मज़ा होता है, मतलब घूमने का भी मज़ा हो जाता है और बाकी ये दर्शन भी हो जाते हैं पूर्णागिरी के। तो बाकी आगे धीरे धीरे देखते हैं और भी क्या है, ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें वो मिलेंगी। पूर्णागिरी तक जाने की पूरी रोड काफी अच्छी है, और टनकपुर से पूर्णागिरी के भैरव मंदिर की दूरी 22 किलोमीटर है। रास्ते में अभी एक रोड थोड़ी सी कटी नीचे की तरफ, बहुत जरा सा मुश्किल से 20-30 मीटर नीचे की तरफ जाएं, और उसके बाद आपको दिखता है ये वाला नज़ारा। ये है शारदा नदी, जिसको महाकाली नदी भी कहते हैं, काली नदी भी कहते हैं नेपाल में, और यहाँ पे भी बोलते हैं, और सामने जो दिख रहा है ना वो है नेपाल। तो आपको यहाँ से नेपाल के भी दर्शन हो जाएंगे अगर आप पूर्णागिरी की तरफ जाते हैं तो। बहुत ही प्यारा सा व्यू है और इन वादियों के बीच में बहुत ही अमेजिंग लगेगा। यहाँ पे ये कुछ लोग यहाँ पे रुके भी हैं, एक मंदिर भी है छोटा सा, और बाकी ये नेपाल है उधर और ये हमारा इंडिया है। बीच में ये नदी बह रही है, जिसके थोड़ा हिस्सा नेपाल का है और थोड़ा हिस्सा हमारा है। और ये रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, जिस पर आप बार बार रुकने पर मजबूर हो जाएंगे। पूर्णागिरी यात्रा की सबसे मजेदार चीज तो यही है, यहाँ की रोड ट्रिप। और अभी रास्ते में यहाँ से लगभग 300 फीट ऊंचाई से यहाँ पे दिख रही है शारदा रिवर बहती हुई, बहुत ही प्यारी। अभी भी वो नेपाल है और ये हमारा इंडिया है, और क्या बात है, यहाँ पे मतलब आप बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं, शांति से, एकदम शांत माहौल है, और ये वादियाँ हैं। मिस करेंगे अगर यहाँ नहीं आएंगे तो, ज़रूर एक बार आएँ। और अभी आगे भी मौसम धीरे धीरे, अभी तो जैसा है अभी थोड़ी कम गर्मी है, तो अभी जितना जल्दी आ जाएंगे तो बेटर रहेगा। बाकी ये पहाड़ी रास्ता भी अभी स्टार्ट हो गया है और ये नज़ारे ज़बरदस्त हैं। इसके बाद मैं पहुंचा ठूलीगाड़, और यहीं पर आपको पहली जीप ड्रॉप कर देगी, जहां आपको खाने पीने के लिए भंडारे की सुविधा और कुछ दुकानें भी मिल जाएंगी, और इसके आगे आप दूसरी जीप से भैरव मंदिर तक जाएंगे। पूर्णागिरी के अब इस रास्ते पे हम लोग बढ़ चुके हैं, मंदिर ऑलमोस्ट बस पहुंचने वाले हैं, और ये रास्ता बस चढ़ाई का ही है, पूरे रास्ते आप बस चढ़ते रहेंगे, और पूरे रास्ते में लाउड स्पीकर लगे हैं, गाने बज रहे हैं, और आप देख रहे होंगे भक्त हर उम्र के, हर बच्चे हों चाहे बड़े हों बूढ़े हों, हर कोई जा रहा है इस यात्रा पे, और बहुत ही
ऊंचाई पर है, पर फिर भी लोग 200-200 किलोमीटर से आ रहे हैं। अब हम लोगों को कितना चढ़ना पड़ेगा, पहाड़ी ऊपर दिख रही है अब पूर्णागिरी की, और पहुंचते हैं जल्दी से बस अब। और जल्द ही इन्हीं खूबसूरत रास्तों को देखते देखते मैं पहुंच गया भैरव मंदिर तक। अभी थोड़ी दूर ही पूर्णागिरी टेम्पल रह गया है और पैदल का रास्ता ही कुछ दूर में स्टार्ट हो जाएगा लगभग 1 किलोमीटर बाद ही। तो यहाँ पर आपको पार्किंग भी मिलेगी यहीं पर सारी है, और यह आप देखेंगे स्वच्छ भारत सुंदर भारत यहाँ पे पूरा स्नानघर गृह बनाया हुआ है, और यहाँ पे लोगों के रहने सोने की सुविधा भी है। यहाँ पे कितने रुपए लेते हैं? अच्छा प्रसाद, तो अपनी श्रद्धा से आप जो कुछ देना चाहते हैं उस वैसे देके आप यहाँ पे रुक सकते हैं, यहाँ पे आराम से, और रात को भी रुक सकते हैं, दिन में आराम कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे नहाने के लिए भी है, शौचालय भी है, और ये अगर आप देखेंगे तो इधर पार्किंग की सुविधा है, तो सभी चीज़ें हैं यहीं पे अवेलेबिलिटी, और खाने पीने की भी सुविधा यहाँ पे अलग अलग जगहों पे, गरम गरम कंबल वगैरह चाहिए होगा वो मिल जाएंगे। यहाँ पे रुकने के कुछ चार्जेस लगते हैं क्या? कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। अच्छा हाँ, यात्री अपने स्वेच्छानुसार जो भी चाहे प्रसाद ले सकता है। अच्छा, कोई नहीं भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये सुविधा आपको यहाँ पर मिलेगी। तो पूर्णागिरी यात्रा जो यहाँ से पैदल वाली ट्रैक वाली प्रॉपर वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ये मेटल डिटेक्टर भी लगा है, ये पूरा एकदम बना हुआ है, ये जगह इसी स्थान से स्टार्ट होगी। बाकी पानी की बोतल मैंने ले ली है, बाकी रास्ते में सब चीज़ मिलती रहती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है सच कि आपको कुछ मिलेगा नहीं, हर चीज़ पूरे रास्ते भर मिलता रहेगा। तो अब बस यहीं से चलते हैं धीरे धीरे, और ये रहा वो रास्ता, सामने आपको दिखेगा ये भैरव मंदिर का प्रवेश द्वार। शुरुआत में ही आपको भैरव मंदिर देखने को मिल जाएगा, जो कि इस पूर्णागिरी टेंपल की यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। और इस रास्ते की शुरुआत हुई सीढ़ियों से, जिस पर पूरी यात्रा के दौरान आपको इस तरह के रुकने की निशुल्क सुविधा दी जाती है। दर्जन ये कितने का है? हाँ? ये है 101 का है, ये 51 वाला है। अच्छा, पूर्णागिरी मंदिर के रास्ते में भी आपको कई सारे मंदिर दिखेंगे, और इसी में से एक है प्राचीन धूनी नवदुर्गा ज्योति मंदिर है। पूरे रास्ते के दौरान आपको खाने पीने की चीजें बहुत कम प्राइस में ही मिल जाती है, और कुछ जगहों पर सीढ़ियों के रास्ते हैं, तो कुछ जगहों पर प्लेन रास्ता है जिसे आप रुकते रुकते तय कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप बैठकर खा पी सकते हैं, और ये थाली 50 रुपए में जिसमें 4 रोटी बढ़िया मिली है तंदूर वाली है, और दाल है, कढ़ी है, और ये सब्जी वगैरह है, तो हर जगह यहाँ पे मिल जाएगी अवेलेबिलिटी। तो खाने पीने की ऐसी नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे आपको पे करने पड़ेंगे, आराम से सब तरह की सुविधा है। एक यात्रा के दौरान जैसी सुविधा होनी चाहिए वैसी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। और खाना टेस्ट करता हूँ, खाना भी घर जैसा सिंपल है, तो जरूर इसको यहाँ पे खाते पीते दर्शन करें। पूर्णागिरी की यात्रा में आपको कहीं पर भी बड़े होटल्स नहीं मिलेंगे, और थोड़े अच्छे होटल्स आप खटीमा या टनकपुर में ही ले सकते हैं, जो 1000 से 1500 रुपए में मिल जाएंगे। तो ये अब यहाँ से फाइनली पहली बार हम लोग को पर्वत का शिखर दिखा है वो टॉप, और वहीं पे अब पहुँचना है। अभी यहाँ पर है, देखते हैं कितना टाइम लगता है, ज़्यादा दूर अब रह नहीं गया है, और अन्नपूर्णा पर्वत कहते हैं इसको। तो चलते हैं आगे की तरफ, जल्दी से पहुँचते हैं माता के दरबार में। लगभग 1.5 घंटे में मैं काली मंदिर तक पहुँच गया, और यहीं पर दर्शन करने के बाद आप इसी के आसपास से प्रसाद ले सकते हैं, और यहीं पर आपको अपने शूज भी उतारने होंगे, जिसको रखने की भी सुविधा यहां पर निशुल्क है। यहां पे प्रसाद वगैरह लेने का टाइम आ गया, एकदम लास्ट यहां पे जो प्रवेश द्वार आपको ये दिख रहा है
इसी प्रवेश द्वार से, यहीं पर आप प्रसाद लें। कहीं और नीचे से प्रसाद लेंगे तो आपको अनावश्यक कैरी करना पड़ेगा, तो उससे बेटर है कि आप यहाँ पे आकर ले लें, आपके लिए अच्छा होगा और आराम से आ जाएंगे। भगवान शिव जब सती का पार्थिव शरीर लेकर कैलाश पर्वत जा रहे थे तो पूर्णागिरी में माता सती की नाभि गिरी थी और तब से यहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। यहाँ से मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम रह गई थी, पर चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी और यहाँ से आपको वो चट्टान भी दिखेगी जिस पर ये मंदिर है, और यहीं पास में ही नेपाल भी है तो आपको वहाँ का टाइम भी दिखेगा और कभी कभी आपके मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं मिलेंगे। चूंकि मेरा चैनल है तो मुझको परमिशन मिल गई है कि डायरेक्ट आप जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा आपको और दर्शन करने में टाइम लगेगा। अभी फ़िलहाल ये कम है, जनरली इससे ज़्यादा भीड़ होती है, आज काफ़ी कम है और ज़्यादा दूर हालांकि नहीं, आज 300 मीटर है, नहीं तो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है और दो दो तीन तीन घंटे लगते हैं। फिलहाल ये लोग भी काफ़ी देर से खड़े हैं। हालांकि आपको मेले के अलावा बाकी समय में इतनी भीड़भाड़ देखने को नहीं मिलेगी और लगभग 2 घंटे में रुकते रुकते मैं पूर्णागिरी टेंपल तक पहुंच गया जहां लास्ट पॉइंट पर कैमरा अलाउ नहीं था। माता के दर्शन हो गए हैं, कैमरे में दिखा नहीं सकते थे कुछ भी ऊपर का मंदिर के अंदर का, लेकिन दर्शन बहुत लाइन लगानी पड़ेगी आपको, मेरा वैसे इजली हो गया क्योंकि परमिशन ली थी। बाकी यहाँ पे दर्शन करके लिए पूरे दिन का टाइम निकाल के आए तब आप यहाँ पे आए, बाकी यहाँ का दर्शन करके सच में आपकी कोई मनोकामना होगी तो ज़रूर पूरी हो जाएगी। जय माता दी।